महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस बार की महाशिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन शुक्र प्रदोष का संयोग बन रहा है। प्रदोष व्रत के अलावा इस दिन और भी कई दुर्लभ योग बन रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर व्रत रख कर भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर बनने वाले सभी योगों के बारे में। इस बार 2024 में 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि होने वाला है। ऐसे तो शिवरात्रि प्रत्येक महीना होता है, लेकिन फागुन महीने का जो शिवरात्रि है वह खास महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसी माह में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। और यह शिवरात्रि जो है यह शिव के विवाह का उत्सव है, लेकिन इस बार ऐसा संयोग बन रहा है कि 8 मार्च को 9:57 से शिवरात्रि प्रारंभ होकर के 9 मार्च शाम 5:26 तक चतुर्दशी तिथि है। तो चतुर्दशी तिथि में ही शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि का पर्व जो है वह शाम का पर्व है, रात्रि में विवाह और पूजा होता है, इसलिए इसमें उदया तिथि का कोई मान्यता नहीं है। इस आधार पर 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। तो इस बार का जो शिवरात्रि है वह कई योग को बना रहा है, बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है। शुक्रवार का दिन श्रवणा नक्षत्र रहने से इसमें बहुत सारा योग बन रहा है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। तो ऐसे योग में यदि आप द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं भी, विशेष करके बाबा बैद्यनाथ धाम के जो ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ हैं, उनको आप प्रसन्न करें, व्रत रखें और व्रत रख करके अपनी हर मनोकामना को उस दिन आप पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा संयोग बहुत दिनों के बाद मिल रहा है इस बार की शिवरात्रि में। तो ऐसा मौका अपने हाथों से न जाने दें और द्वादश ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। पंचांग के अनुसार साल 2024 में महाशिवरात्रि पर दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, जिससे इसका महत्व कई अधिक बढ़ जाएगा। इस दिन निशिता काल में भगवान शिव की पूजा करने से भी मनोकामनाएं पूरी होती है। लोकलिटीन देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। ये वीडियो ज्योतिषाचार्य द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। लोकलिटीन इसकी पुष्टि नहीं करता है।